से ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो कॉलेज चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। क्या प्रभास होंगे वॉर 2 में? क्या कहा टाइगर ने वॉर 2 में अपनी भूमिका के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सिद्धार्थ आनंद वॉर की सक्सेस के बाद हर जगह छाए हुए हैं। फिल्म मेकर अब फिल्म पठान को लेकर व्यस्त हैं। पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल्स में होंगे। इसके बाद वो अपनी फाइटर फिल्म को शुरू करेंगे जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हैं। अब सिद्धार्थ आनंद प्रभास से मिल रहे हैं। वो प्रभास से वॉर 2 के विषय में बातचीत कर रहे हैं। वॉर फिल्म की एक ब्रांड वैल्यू है। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में थे पर उनका किरदार फिल्म में मर गया था, तो अब एक नया एक्टर फिल्म में लेना जस्टिफाइड लग रहा है। और प्रभास एक्शन फिल्मों में तो एक्सपर्ट हैं ही, जैसे कि बाहुबली और साहो। आनंद वॉर के बाद एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बन गए हैं और उन्होंने वॉर के बाद अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है। प्रभास वॉर 2 में विलन की भूमिका में नजर आएंगे। वो इस फिल्म में ऋतिक से भिड़ते हुए दिखेंगे। अब दर्शकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि टाइगर ऋतिक की तरफ होंगे या फिर प्रभास की तरफ। कई ट्विस्ट हो सकते हैं इस फिल्म में और कई सस्पेंस भी खुल सकते हैं, और ये देखना बहुत मजेदार होगा कि फिल्म में कैसा ट्विस्ट दिखाया जाता है और कैसे दर्शकों को चौंकाया जाता है। टाइगर श्रॉफ ने अपने जन्मदिन पर कहा कि वॉर बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही, पर यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश थे कि उन्हें अपने रोल मॉडल और इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिला। जब वॉर 2 में उनके किरदार की बात की गई तो वो बोले कि हालांकि उनका किरदार फिल्म में मर गया है, पर दर्शकों को उनकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई थी। उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल है और इसमें किसी भी इंसान के लिए स्कोप है। दर्शकों को उम्मीद है कि टाइगर वॉर 2 में भी दिखेंगे और वो इसमें खूब एक्शन करते हुए दिखेंगे और वो अपनी बॉडी भी दिखाते हुए नजर आएंगे। जहां फैंस वॉर के सीक्वल के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और बागी 4 रिलीज होने वाली है। उन्होंने कहा कि अपने 6 साल के करियर में जो कुछ उन्होंने पाया उसके लिए वो आभारी हैं और वो आगे भी मेहनत करते रहेंगे ताकि अच्छा काम करते रहें और अपने फैंस को खुश कर सके। क्या आपको लगता है कि वॉर की ही तरह वॉर 2 में भी टाइगर श्रॉफ दिखेंगे दर्शकों को? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जलान ने।